जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज मैं घर चर्चा कर रहा हूँ। 2 मार्च 2022 में एक विचित्र घटना होने जा रही है। स्पेशल घटना आप लोगों के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी गुरु और शनि राहु की महादशा चल रही है, या आपकी जो राशि है वो गुरु से संबंधित मकर कुंभ राशि है, या फिर धनु और मीन राशि है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपके लिए बड़ा लाभप्रद साबित होगी, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं जानते हैं कि 2 मार्च 2022 में देखा जाए तो बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं। यानी अभी तक बृहस्पति देव शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में थे, अब 2 मार्च को सुबह 11:09 पे ये पूर्वा भाद्रपद यानी अपने नक्षत्र पे आ जाएंगे। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बृहस्पति है ना, तो बृहस्पति काल पुरुष के अनुसार देखा जाए या काल पुरुष कुंडली के अनुसार मित्रों देखा जाए तो वो नवम और व्यय भाव का स्वामी है। यानी कि नवम भाव भाग्य का भाव होता है, भाव भाग्य आपका काम करता है या नहीं करता वो नवम भाव से देखा जाता है, या फिर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा हो तो भी आपका भाग्य काम करता है। बृहस्पति पुत्र का कारक होता है, बृहस्पति संतान शादी से संबंधित मांगलिक कार्य का स्वामी का कारक होता है। घर के अंदर शांति नहीं है, बरकत नहीं है, धन बहुत कमाते हैं, बहुत से जजमानों की ये शिकायत होती है, लेकिन गुरु जी हमारे घर में धन बसता नहीं है, हमारे घर के अंदर सदैव क्लेश रहता है, हमारा कोई ना कोई बच्चा क्रोध से ग्रसित है, ये बात बात पे झूठ बोलता है या गलत संगत पे ग्रसित है। तो ऐसे में क्या होता है कि हेड ऑफ द फैमिली की कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु अच्छा नहीं है। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है कि आप बृहस्पति अगर आपका डाउन होगा या बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो आपके मित्र भी आपको धोखा देंगे, आपके रिश्तेदार भी आपको धोखा देंगे। यानी नेकी कर कुएं में डाल। ये स्थिति कब होती है? जब कुंडली में बृहस्पति अच्छा ना हो तो मान लीजिए आपका सिर्फ आपकी आत्मा या आपकी पत्नी या आपका जो परिवार है वही आपका मित्र है, बाकी और कोई आपका मित्र नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यानी आपका अच्छा नहीं है। बृहस्पति यदि आपका अच्छा नहीं होता तो पूजा पाठ जो आप करते हैं, देवी का भजन कीर्तन इत्यादि जो करते हैं, उससे भी आपको मोक्ष नहीं मिल पाता है, यानी कि शांति नहीं मिल पाती है। बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं ना कि अहिंसा के क्षेत्र पे, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के मार्ग में, गुरु के क्षेत्र में, गुरु के मार्ग में शांति नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब बृहस्पति आपका अच्छा नहीं होता तो हम गुरु नाम लेते हुए भी हमें शांति या गुरु नाम लेने से हमें कोई असर नज़र नहीं आता। मंदिर तीर्थ गुरुद्वारे या हम किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, वहाँ जाने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं आ पाता है, यानी कि हमारा गुरु अच्छा नहीं है। अब गुरु को ठीक करने के या देखने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो कुंडली का तरीका है, दूसरा तरीका है अपने हाथ में राइट हैंड में ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे पर्वत होता है उसको देख लीजिएगा। अगर आपका गुरु अच्छा है तो यानी कि आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होता मित्रों तो आपको एजुकेशन से कोई लाभ नहीं होगा। यानी एजुकेशन आपने विदेश से की है या देश में की है, नामी जाने माने इंस्टीट्यूट से की है, तो अक्सर मैं 30 साल का अनुभव हो गया है, 25 से लेकर 30 साल कहूँगा कुंडलियाँ देखने का, तो उसमें देखा है कि बृहस्पति बच्चों की कुंडली में अच्छा होने के बावजूद भी उनको अच्छी जॉब अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता है। कारण बिकॉज ऑफ बृहस्पति डाउन। तो बृहस्पति यदि डाउन होगा तो एटलीस्ट ये तो कर ही देगा कि आपको मेहनत के अनुरूप आपकी गुणवत्ता के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये तो बृहस्पति आपका कम कर ही देगा। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग जो ज्योतिषी थे, जो 90-90 साल के जो गुरु थे, वो कहते थे कि गुरु का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत नहीं वो बहुत बहुत ज़रूरी कहते थे, क्योंकि गुरु 1 लाख दोष को दूर कर देता है। कारण कैसे? भाग्य का स्वामी गुरु है, पति पत्नी के सुख का, पुत्र के सुख का स्वामी गुरु है, घर के अंदर शांति का स्वामी गुरु है, ठीक है जी, प्रेम का स्वामी
गुरु है। प्रेम वो आकर्षण वाला, कामुकता वाला प्रेम नहीं, उसका स्वामी तो शुक्र है, जो प्रेम होता है पति पत्नी के बीच में भी एक अच्छा वाला प्रेम होता है, गुरु शिष्य के बीच में भी एक अच्छा वाला प्रेम होता है, समाज और आपके बीच में एक प्रेम होता है, मतलब कि हम एक दूसरे की खबर लेते हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, इसका स्वामी गुरु होता है। तो गुरु बहुत सारी चीज़ों का साथी है। अगर गुरु अगर आपका खराब हो तो ऐसे में क्या होगा, घर के अंदर व्यसन आ जाएंगे, हमारे अंदर कोई ना कोई व्यसन आ जाएगा। कारण क्या है, गुरु हमारा अच्छा नहीं है। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं नौ राशियों के लिए बहुत लाभकारी हैं, और वो नौ राशियाँ कौन सी है वो भी समझाऊंगा। और गुरु जब शतविशा नक्षत्र में 2021 में आए, तो खासकर अगर देखा जाए तो शतविशा राहु का नक्षत्र है, इसमें राहु के नक्षत्र में जब बृहस्पति देव ने प्रवेश किया तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। खासकर जिनकी गुरु की महादशा चल रही थी, शनि की महादशा चल रही थी, राहु की महादशा चल रही थी, उनको लॉकडाउन में 2020 में 2019 में भी अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन 2021 में या 2022 में उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अब वो सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2020 जब गंभीर लॉकडाउन था तब तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, सब कुछ फाइनेंशियल काम अच्छा, ग्रोथ अच्छी, और 2021-2022 में हमें रिजल्ट ही नहीं मिला। आप ये सोच रहे होंगे, बहुत से लोग सोचते हैं। कारण क्या है कि बृहस्पति ने शतविशा नक्षत्र में प्रवेश किया था 2021 में। अब 2021 में शतविशा नक्षत्र में प्रवेश करना बृहस्पति का अपना अच्छा और शुभ फल वो नहीं दे पाए, जिस कारण से आपके काम रुकते ख़त्म होते चले गए। खासकर मकर, कुंभ राशि, धनु और मीन राशि के साथ में ये ज़्यादा गड़बड़ियाँ रहीं, यानी कि इनके काम बने ही नहीं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि 2 मार्च 2022 में जो गुरु हैं वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को शिव तांडव जैसे करते हैं उसकी संज्ञा दी गई है, यानी शिव तांडव एक टांग पे खड़े होकर शिव तांडव करते हैं, यानी कि पूर्वा भाद्रपद में कोई भी ग्रह आ जाता है तो पूर्ण संतुलन उस नक्षत्र पे, उस राशि पे आ जाता है। यानी कि पूर्वा जो भाद्रपद जो नक्षत्र है वो कुंभ और मीन राशियों को जोड़ने वाला नक्षत्र है, और इसको शिव तांडव की संज्ञा दी गई है, यानी जीवन में संतुलन आ जाएगा। अब किन किन राशि के जीवन में संतुलन आएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि 2021 से ये शतविशा नक्षत्र में थे, जिस कारण से गुरु की महादशा, शनि की, राहु की महादशा, या फिर धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो चार अंतिम राशियां हैं, इनका 2020 में इतना बुरा नहीं हुआ जितना 21 और 22 में हुआ। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति शतविशा नक्षत्र में आ गए तो सारे शुभ काम मोस्टली मान के चले रुक गए। अब क्या होगा कि जैसे ही 2 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन बृहस्पति का होगा, यानी पूर्वा भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तो नौ राशियों के लिए बड़ा शुभकारी समय रहेगा। वो राशियाँ कौन सी है, पहली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का अगर देखा जाए तो ये मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का क्या होगा कि इनके स्वामी बुध हैं, बुध और गुरु एक साथ ये बैठे हुए हैं। बुध और गुरु एक साथ बैठने का मतलब अच्छा होता है, गुड रिजल्ट होता है, कोई शुभ, क्योंकि बुध जो है सूचना का कारक है, बुध किसका कारक है, सूचना, तो कोई ना कोई सूचना, शुभ काम की सूचना, कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त होगी गुरु के साथ में बैठने से, धन से संबंधित सूचनाएँ आपको अच्छी प्राप्त होगी। कहने का मतलब मिथुन राशि के रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दूसरी जो राशि जिनको ये रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा भी देखिएगा गुरु के साथ ही कस्प चार्ट है, ये कस्प चार्ट है, यानी कि ये जन्म कुंडली का नॉर्मल चार्ट नहीं है, ये कस्प चार्ट है जिसको हम भाव सिंधी चार्ट कहते हैं। यहाँ पर भी गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और कहीं ना कहीं गज केसरी योग बना रहे हैं, जिसका फायदा कर्क राशि वालों को मिलने वाला है, जिस कारण से पद धन में वृद्धि इनके नजर आएगी, क्योंकि गज केसरी चार्ट कस्प चार्ट में बन रहा है। इसी तरह से जो तीसरी राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि का देखा जाए तो गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हैं, और सूर्य क्या है, राजा हैं, गुरु क्या है, देवताओं के गुरु हैं,
कभी भी गुरु और सूर्य एक साथ बैठ जाते हैं तो जो भी राजा से गलतियां होती हैं, निर्णय लेने में गलतियां होती हैं अक्सर, वो ठीक हो जाती है। यानी कि अच्छे निर्णय सिंह राशि वाले ले पाएंगे, अच्छा जजमेंट सिंह राशि वाले ले पाएंगे, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी, और जितने भी प्रशासन से या बॉस से मतभेद चल रहे हैं या आदरणीय बड़ों से जो मतभेद चल रहे हैं वो भी आपके दूर होंगे। समस्याओं के अब हल मिलना सिंह राशि वालों को प्रारंभ होगा, क्योंकि गुरु और सूर्य एक साथ हैं। इसी प्रकार से एक और राशि है, वो है कन्या राशि। जो चौथी राशि है जिसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो है कन्या राशि। क्या है, गुरु और बुध एक साथ ही बैठे हैं, जैसा मिथुन राशि में भी हुआ था, शुभ संदेश इनको मिल रहे हैं, साथ ही साथ काम में भी परिवर्तन आ रहा है, या तो नौकरी में आपके परिवर्तन या आपको ऑफर मिल जाएगा, या कोई बॉस के द्वारा कलीग के द्वारा कुछ ना कुछ आपको ऑफर मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपके क्लाइंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुध और गुरु एक साथ होने का मतलब क्रय विक्रय में लाभ होना, या फिर आप कोई ना कोई चीज़ या स्टॉक शेयर बॉन्ड इक्विटी खरीदने वाले हैं या इस पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है, और बड़ा भयंकर योग है, यानी कि ऐसा योग बन रहा है जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होगा और अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों को भी फायदा है और नौकरी वालों को भी फायदा है। जो अगर देखी जाए तो पाँचवीं राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि में देखा जाए तो तुला राशि में कुछ फ़ायदा भी और कुछ नुकसान भी है। पहला क्या है, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं जो कि दानवों के गुरु हैं, और धनु राशि और मीन राशि के शुक्र के स्वामी कौन हैं, वो गुरु हैं। गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, और गुरु और शुक्र में आपस में नहीं बनती है, फिर भी गुरु और शुक्र दोनों ही बलवान ग्रह हैं, अच्छा करने वाले ग्रह हैं। देखा जाए तो दोनों के बलवान होने से आपके अंदर दुविधा पैदा हो जाएगी। जब भी गुरु और शनि एक साथ मिलते हैं तो एक व्यक्ति कहता है, एक विद्वान शुक्रदेव कहेंगे जी ये चीज़ अच्छी है, और बृहस्पति कहेंगे नहीं जी ये चीज़ बुरी है। यानी कि एक व्यक्ति कहेगा कि पानी में गिलास में पानी आधा है, और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि आधे गिलास में आधा पानी है। यानी कि मत तो दोनों के सेम ही रहेंगे, लेकिन वाक्य और देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति कंफ्यूजन में आ जाता है। तो 2 मार्च के बाद तुला राशि वाले अगर नौकरी चेंज कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी की सुनी सुनाई बातों में बिल्कुल निर्णय ना लें, किसी पे आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास ना करें। पहले आप जो है प्रैक्टिकल अनुभव लें, कोई भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नौकरी चेंज कर रहे हैं, कोई स्टॉक उठा रहे हैं, कोई मार्केट में कुछ भी नया कर रहे हैं तुला राशि वालों, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस कंपनी का प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें देखनी है, उसके बाद आँख बंद करके विश्वास मत करना, नहीं तो दुविधा संकट में फंस जाओगे, नुकसान हो जाएगा। हाँ, वैसे गुरु और शनि का तुला राशि के लिए लाभकारी है, कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ तुला राशि के खरीदारी के योग बन रहे हैं, यानी कि भौतिक वस्तु आप खरीदेंगे, मोबाइल टीवी लैपटॉप ये खरीद सकते हैं, या फिर आप घर को रेनोवेट करा सकते हैं, ऐसा योग तुला राशि वालों का बन रहा है। इसी प्रकार से जो देखा जाए तो 5वां इफेक्ट तो तुला पे था, अब 6ठा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा धनु और मीन राशि पे, दोनों पे, क्योंकि दोनों की राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति, कौन है, गुरु। तो इन पे 6ठा इफेक्ट पड़ेगा, काम में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो गुरु का राशि परिवर्तन है, पूर्व भाद्रपद में जो नक्षत्र परिवर्तन है वो उनके स्वामी गुरु हैं, तो काम में इन दोनों राशियों में परिवर्तन नजर आएगा, मैनेजमेंट में परिवर्तन नजर आएगा, हो सकता है कि कर्मचारियों में भी परिवर्तन हो जाए। ठीक है जी, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, काम में अद्भुत अमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा, और जीवन में आप संतुलन आ जाएगा, यानी कि जीवन एक ट्रैक पर चलने लगेगा, भविष्य की उज्ज्वलाएँ या योजनाएं आपको क्लियर हो जाएंगी कि भविष्य में आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, जो अभी तक योजनाएं क्लियर नहीं थी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार से अंतिम जो इफेक्ट पड़ेगा वो मकर और कुंभ में पड़ेगा। मकर और कुंभ राशि में अगर देखा जाए तो ये 2 राशियां हैं, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनका, क्योंकि गुरु और शनि यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, तो गुरु के साथ में जब भी शनि का साथ आ जाता है तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के क्रय विक्रय के योग स्टार्ट हो जाते हैं, यानी या तो वो कोई चीज़ खरीदता है
या कोई चीज़ बेचता है, ऐसा योग ज़्यादातर देखा है। साथ ही साथ काम में परिवर्तन आता है, नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि काम में परिवर्तन आ जाए, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, आपका काम चेंज हो जाए। व्यापार कर रहे हैं तो काम के अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे। कुल मिला के 2 मार्च के बाद, जंतोजहत के बाद मकर और कुंभ राशि को अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, डोंट वरी। तो 2 मार्च के बाद आपको भी अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये मैंने कार्यक्रम आज करा है गुरु के नक्षत्र परिवर्तन पे, बड़ा डीप करके मैंने समझाया है। आई डोंट नो मैं सही से समझा पाया नहीं समझा पाया, अगर अब मैं समझा पाया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।